काल संधू साहब, क्यों कुकी चौधरी, आज गड्डी इस तरफ कैसे मोड़ ली पाई? क्यों ऐसे पुलिस वाले नहीं, नो एंट्री है। हम तो कहराए डंगर की भी इज्जत करते हैं, आप तो सरकार हो, बोलो क्या सेवा करें? तुम्हारे खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट आई है। अच्छा, हमें किसी ने फोन करके बताया है कि तुम लोगों ने इस घर में एक मेहमान को कैद कर रखा है। तुम सब मिलकर उस पर जुल्म ढाते हो और उसे घर से बाहर नहीं आने देते। अरे हम तो चाहते हैं कि वो बाहर निकले, लेकिन वो बहन का टका निकलता ही नहीं। क्यों टिटो? ताकि आप मुझे मार सको हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही फोन किया था, अब बोलो आ गया बाहर? ओए कानून के सामने बात करो हैं? क्यों टिटो बोल टोनी? ओए पाजी कदी हस वे लिया करो। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। ओए तीशे काले सत्ता बद्दा लवली ते छिंदा, कसम है मुझे अपने फादर, अपने प्यो दी, मेरी माँ ने जो खिलाया उस देसी क्यों दी, हिम्मत है तो कभी नो मैन्स लैंड में आके बात करना। कल करते हैं बदला लेंगे। पुलसी, इससे पहले मेरा खून खोलने लगे और मैं आप पे से बाहर हो जाऊं, आप मुझे यहां से ले चलो, ले चलो। इसे फोन किसने दिया भाई? ओ भाई वो तो मैंने गिफ्ट किया था, मेहमान है हमारा है जी। वाह तूने, वाह तेरे कुत्ते का पुत्तर पाल दिया मेहमान। इंस्पेक्टर साहब मेरे फेस में नहीं जाना, मैं सच्ची में बड़ा शरीफ आदमी हूँ, कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, वरना तो देख लेना था मैंने इनको अकेले ही। आपको तो पता है पंजाबियों की शान, बल्ले बल्ले बाकी सारे कपूर थल्ले। इंस्पेक्टर साहब, आपकी गड्डी के पीछे फेविकॉल का एड लग गया है? नहीं थे। तो ये पीछे पीछे क्यों आ रहे? ओ भाई डेमोक्रेसी है, अब मैं किसी को पीछे आने से रोक तो नहीं सकता ना, चला के देख। शेर ने सवाल पाड़ ली बंदूक का यारा कशन कमाल, मुझा साड़ी शान साड़ी पाक साड़ा मान, कुंडिया बगैर साड़ा दिला दा मकान। ले आ गया। थैंक यू भाजी। आपको तो देख के ही लग गया था कि आप बड़े काम के बंदे हो, क्योंकि एक आप सरदार, एक मैं सरदार, बाकी सारे बेकार। इसीलिए तो कहते हैं शेरों की कौम पंजाबी। आ जा। भाजी है पुल स्टेशन ज्यादा पुराना नहीं लग रहा? पुल स्टेशन नहीं है, नो मैन्स लैंड है। साहब, आपका बंदा घर से बाहर आ गया, ते साड़ा कब हो गया? और कोई सेवा पाजी? धन्यवाद चौधरी साहब। सत श्री अकाल। ओए पुलिस जी, ओए कानून के दुश्मन, ओए। तूने सही कहा था, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन शेर हर जगह शेर होता है। ओ पाजी, आप शेर नहीं, आप तो बब्बर शेर हो। उसे निकल गया था, दिल में बड़ी इज्जत है आपके लिए। टिट्टो दिल निकाल इसका, देखता हूं इसकी दिल में कितनी इज्जत है। एक मिनट टिट्टू पाजी, बात समझा करो। बिल्लू पाजी, आप लोग 20 बंदे हो हथियारों के साथ और मैं अकेला निहत्ता, बात बराबरी वाली होनी चाहिए।
मिनट यार। बाजी, मैं एक सिख हूं और एक सिख 1,25,000 के बराबर होता है। आप लोग तो सिर्फ 20 बंदे हो, जाओ पहले 1,24,980 बंदे और लेकर आओ, फिर बात करना। मुकाबला बराबरी वालों से करता है ये सरदार, गाल करते हैं। अरे सही बात है। पाजी, इतने बंदे तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं है। अच्छा पाजी, मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा ना हमारा मैथ में भी बेवकूफ बना रहा है। और हम बन रहे हैं? आहो जी। ओए हाँ यार, ओ रुक जा, ठहर जा। ओए अगर तू सरदार है तो असी संधु है, संधु। हाँ पाजी। तिशे काले सच्चा बच्चा ते बब्बू। एक मिनट। पाजी, ये है तो 6,25,000 हो गए और मैं 1,25,000 बराबरी का हुई। पाजी, पाजी मैं नहीं लड़ता। तेरी तो मैं पकड़ो। हाँ भाई। ओए छोड़ दो, मुझे नहीं उठे। जाओ। ओ
पाजी एक बात बताओ, घोड़ा सस्ता होता है कि जीप? घोड़ा यार। ओ ले पाजी, फिर तो घोड़ा खरीदना चाहिए था ना, एक तो पेट्रोल बचता, दूसरा घोड़ा कहीं भी फंस जाता है। ओ पाजी, घोड़ा बच्चे देता तो घोड़ा निकलता है, जीप जीप तो बच्चे ही नहीं देती। बाबा जी, हाँ? मेरे पाजी ना अभी उड़ के आए थे यहाँ, आपने देखा है उन्हें? ओ खोतिया, मैं ही हूँ, वो किथे गया सुधार? ओ जैसी बाजी, मुझे तो उतार दो।